रखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर में। मैं प्रगति पांडे और इस वक्त यहाँ हम मौजूद हैं सराय अलवरदी बजगेड़ा थाना में हम मौजूद है। सॉरी, माफी चाहती हूँ मैं आपसे। इस वक्त हम बजगेड़ा थाना में है के बाहर मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ काफी भारी मात्रा में भीड़ उमड़ी हुई है थाने के बाहर, क्योंकि उनको थाने में जो उनके एक व्यक्ति है जिनके साथ वो कह रहे हैं कि गलत हुआ है और थाने से वो काफी नाखुश है यहाँ की पुलिस प्रशासन से। हम उनसे बात करते हैं। मैम एक मिनट साइड हट जाइए। सर, इस वक्त आप यहाँ क्यों आए हुए हैं? मैडम, मैं इसलिए आया हूँ, मेरे पर लगाया था झूठा ब्लेम कि मैं गांजा सुल्फा बेचता हूँ और मेरे ड्यूटी ऑन द ड्यूटी स्पॉट मैं काम करा रहा था, नाली का व्यवहार करवा रहा था सफाई। इन्होंने आके मुझको उठा के वहाँ से लाए और सर्विस स्टेशन होता है जो, उसके अंदर ले जाकर मुझ पर पाइपों से मोद्दा करके मारा इन्होंने। अगर पहले ये तो बताओ मुझे, मेरा कसूर क्या है? क्यों मारा है आपको? किसने ये करवाया है? मैडम पार्षद ने कराया, मिथिलेश बरवाल के खुद जो उसके ससुर है उन्होंने कराया मेरे साथ। सर एक मिनट सर, मुझे आपसे ये जो ये मैडम मेरी बात सुनिए आप, मैं इसका भाई बोल रहा हूँ आपके साथ। मैडम मेरी बात सुनिए, अगर ये पुलिस वाले अगर ठाकर लेकर आए इसको, ये मेरा भाई है, इसको उठाकर लेकर आए है, तो ना तो इन्होंने सूचना दी हमारे घर में, ठीक है ना, ना हमारे घर में सूचना दी है कि भाई हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं, और अरेस्ट किस वजह से कर रहे हैं ये भी बताइए, ना इसका मेडिकल करवाया, इसको पीटा, मेडिकल पीटने के बाद करवाया इसका, मेडिकल पीटने के बाद इसका मेडिकल कराया, इसके पैर में फ्रैक्चर आ रखा है। ये सुपरवाइजर है यहाँ पे, एक सफाई कर्मचारी के साथ में इन्होंने इतनी बदमाशी कर रखी है, और ऊपर से हम यहाँ आते तो बदतमीजी से बोलते हैं जनाब हमारे को कानून सिखा रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि घर वालों को सूचना दी जानी चाहिए, ना ही इन्होंने सूचना दी, और उसको छिपाने का और कार्य कर रहे हैं। और ये जो पार्षद है उसके ऊपर भी हम अपने भाई के जो इसकी छवि को खराब करने की जो कोशिश की गई है, हम मानहानी का केस भी उसके ऊपर डालते हैं। और ये हमारे को रिसीविंग की कॉपी इनसे दोबारा ले एक बार, और जो यूनियन में गई है वो अलग से, और हम अपने उससे करेंगे वो अलग कार्रवाई करेंगे। तो इनको मारा क्यों गया? इनके खिलाफ जो कंप्लेन थी वो क्या आई थी आपके पास? हमारे सीनियर हैं, वो आके आपको बताएंगे। अच्छा, हमारे सीनियर तो वो कितनी देर में यहाँ आ जाएंगे? आप लोग मौके पे मौजूद थे? यही हैं वो, और विद इन मिनट अंदर से आ रहे हैं। तो जैसा कि ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर ये ऐसा करने की कोई खास वजह? मैडम खास वजह ये है कि मैंने आज से कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले मैंने पार्षद के खिलाफ बयान दिया था के पार्षद हमारे काम में इंटरफेयर गलत कर रहा है, क्योंकि पार्षद कर्मचारियों का शोषण कर रहा है, यहाँ से ईंट मलबे धुआ रहा है, पटौदी उतरवा रहा है, इस विषय पे मैंने उसका आंदोलन किया था, और इन्होंने ठाके उसी मुद्दे को ठाके मुझ पे आज ब्लेम लगा के मुझको सराय ऑन ड्यूटी से उठा दिया। उनके काम में बाधा डालने का पूरा काम पार्षद ऑन ड्यूटी से उठाया हूँ मैं। पार्षद सोचता है कि इससे ये इनको कमा के दे अलग से, लेकिन और मंथली मांगता है तो ये मंथली मांगते हैं, और ये जो है इसको झूठे मुकदमे में हमारे भाई को जो है फंसवाने की कोशिश करी है। हम इनके ऊपर मान आने का केस भी करवाएंगे, और पार्षद को भी जिसने मुकदमा दर्ज करवाया है ना झूठा, उसको भी उठा के लेके आओ जनाब आप, हम चल रहे हैं आपके साथ में, और उसको लेकर आओ लेडीज पुलिस लेकर चलो। कौन थी वो? ये कंप्लेन किसके तरफ से आई है? जी बुला के ले आइए सर, क्योंकि ये लाइव चल रहा है और जवाब देना बनता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे आप भारी मात्रा में एक बार उस देश के इतने होनहार सिपाही को भी बुलवाइए जिसकी वजह से वो साफ सुथरे ये जो मैल ढोने का ये जो काम करने लग रहे हैं ना, ये बीमारियों से तुम लोगों को हमने बचा रखा है, ठीक है, और इन्हीं लोगों को तुम पीटने लग रहे हो कोरोना के अंदर में, धिक्कार है तुम्हारे पर। ऐसा नामर्द पुलिस वाला वो है जो मतलब यहाँ पे दूर लाके उसको हाथ उठाता है, हम देखेंगे ना कितना बड़ा सिंगम है वो, लेकर आओ उसको एक बार हमारे सामने, जो ऐसे यहाँ पे लेकर आता है आता क्यों नहीं है, चोरों की तरह गलती कर रखी है इसलिए छुपा हुआ वो, और ये सारे के सारे उसको जो है छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, अब तक उसको सामने भी नहीं लेकर आया गया है, ना ही थाने में लेकर आया, और हमारे घर वालों को इनको सूचना भी नहीं दी है, क्या पता इसके साथ क्या हादसा हो जाता। मुझे जानता मार के घेर देते ये पुलिस वाले, मुझे जानता मार देते, एक किडनैपिंग का भी केस लगेगा इनके ऊपर, इस पुलिस वाले के ऊपर। इन्होंने आपको क्या कह के छोड़ा? मैडम जब कोई सबूत ही नहीं है तो मुझे तो छोड़ेंगे मैडम, जब कोई अगर मान लो कोई चीज हो तो एक बार जो हमने एफआईआर जो लिखवाई है ना, एक बार इनसे आप अपने माध्यम से भी एफआईआर की कॉपी लीजिए, हमें देखना है कि धारा कौन कौन सी, हमें किडनैपिंग का भी उसमें चाहिए, ठीक है, मान हानि का भी चाहिए, और जो झूठे मुकदमे में इसको ऑन ड्यूटी सर्विस
ये सफाई नगर निगम के कार्यक्रम कर्मचारी है, ठीक है ना। और जिसने झूठा मुकदमा लगाया उसके खिलाफ और इस पुलिस वाले के खिलाफ हमें सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए, और जिसने झूठे मुकदमे में इसको फंसवाया है उसको तुरंत अभी के अभी अरेस्ट किया जाए। जैसे इसको उठा कर लाए ऐसे उसको भी उठा कर लाए। सर तो आप ये बताइए कि नहीं सर यही बात कर लेते जब लोग यहाँ पे इकट्ठा है तो यही हम बात करेंगे। सर तो ये बताइए कि इनके खिलाफ एफआईआर क्या दर्ज हुई और किसने करवाई? एक मिनट, इनके खिलाफ एफआईआर नहीं है, इन्होंने कंप्लेंट दी है हमारे को कि इस बच्चे के साथ विकास नाम के लड़के के साथ मार पिटाई करी है। हाँ। इन्होंने एलिगेशन लगाया कि किसी पुलिस वाले ने इनके साथ मार पिटाई करी है। हाँ। और उस चीज़ के इन्होंने कंप्लेंट दी है, उसकी जांच कर रहे हैं हम। जो कार्रवाई रवीना को भी तो बुलाओ, जिसने रवीना ने मेरे नाम का कंप्लेंट की है उसको भी बुलाओ। मेरी नॉलेज में रवीना का या किसी का नहीं है। तो सर मेरे को वैसे उठा लाए? एक मिनट रुको ना, आप या तो आप मेरे से बहस कर ले या मैं यहाँ जवाब दे दूँ। मुझे यहाँ जवाब देने दीजिए। मेरे पास इन लोगों की इनकी तरफ से कंप्लेंट मिली है कि मेरी पीसीआर वाले ने इनके साथ मार पिटाई करी है और जिसकी जांच कर रहे हैं, कंप्लेंट इनकी ले ली है। तो आपके यहाँ थाने में कितने लोग होते हैं डेली बेसिस पे, कितने लोगों की ड्यूटी होती है? काफी होते हैं, काफी होते हैं, तब भी तकरीबन कितने लोग होते हैं? क्या करना है उनका? तो सर आपको नहीं पता इनमें से कौन इनको लेकर आया? जी मेरे को पता है, मेरी पीसीआर के ऊपर। हाँ, इनको भी पता है नाम का। हाँ, तो फिर ऐसे ही उठा के ले आते हैं और उनके साथ इस तरीके से? उसी चीज का तो जांच कर रहे हैं ना, इसीलिए तो कंप्लेंट ली है। इसीलिए कहाँ है जो उनको उठा के ले आए थे कि उनको किसने? एक मिनट तो सर, उनको ये पावर किसी ने तो दी होगी ना उठा के लाने? नहीं, पावर किसने दी है तो अगर इसीलिए जब आप कह रहे हैं आपकी नॉलेज में ये बात तो नहीं है। कब हुआ ये आपके साथ? मैडम ये 8-9 बजे से कि मुझको उठा के लाए। इनके बाद हम पहुंच गए इनके पास, इन्होंने कंप्लेंट दे दी। हमने आपके पास पहुंच गए थे? मैडम यहीं पे ही पहुंचे हैं ये। हाँ, अपने बजगेड़ा चौक पे आगे इन्होंने जब मेरे से कोई पूछा है, जब मैंने इनको बताया जी आपके पुलिस वाले का ये बयान था जी, मेरे को वहाँ से उठा के लाए और मेरे को यहाँ मारा इस बेस पे, इन्होंने कंप्लेंट तो इस वक्त वो कहाँ है जिन्होंने इनके साथ ये किया? अंदर है, वो यहीं पर हैं, हमारे पास हैं। हाँ, हाँ, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? हाँ बिल्कुल। तो अब तक क्या रिजल्ट आया है? कंप्लेंट की जांच चल रही है, जांच के ऊपर जो कार्रवाई होगी कार्रवाई करेंगे। तो आप मानते हैं कि जो उन्होंने किया वो गलत किया है, क्योंकि कानून के तहत ऐसे किसी को उठा के लाना और मारना सही है बिना? मैं मानता हूँ कि ये सही नहीं है। बिल्कुल आप मान रहे हैं ना इस बात को, ये सही नहीं है। मैं मानता हूँ क्योंकि किसी भी आदमी के साथ, ये नहीं चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी के साथ भी मार पिटाई करना गलत है। गलत है। हाँ? तो आप उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे अब? वो अब उस चीज के बारे में उसके के खिलाफ लीगल एक्शन लेना है। ये बात तो मान लिया ना कि उन्होंने, वो मान रहे हैं इस बात को कि उन्होंने मारपीट की है? मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, उस चीज की तो जाँच कर रहे हैं ना, उस चीज की तो जाँच कर रहे हैं। इनका जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को हम फिलहाल सही मान के चल रहे हैं, इनके स्टेटमेंट को हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, इनके स्टेटमेंट को सही मान के चल रहे हैं। तो कितने देर में ये पूछताछ कंप्लीट हो जाएगी? जल्दी हो जाएगी, उसमें कोई लंबा चौड़ा टाइम थोड़ा ही लगता है। ठीक है सर, तो हम यहीं खड़े हैं और ऑनलाइन खड़े हैं, तो आपने देखा कि आप हमें मतलब तसल्ली दे रहे हैं कि इनकी जो कंप्लेन है उस पे अभी कार्रवाई होगी। जब तक उस पुलिस वाले को जिसने गलती की है जब तक उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। यहाँ के एरिए की क्या क्या बात है, पूरे कमिश्नर ऑफिस पे यूनियन पूरा हड़ताल करेगी और यहाँ के एरिया में जितने भी सफाई कर्मचारी है एक पत्तक भी नहीं लेगा, ये गंद यूं के यूं खड़ा रहेगा। ये सारे इस तरह की लापरवाही जो उन्होंने की है, जो और इस तरह पे क्या पनिशमेंट लगती है? मैम उसका तो डिपार्टमेंट इलेक्शन होते हैं, फिर भी ज्यादा मतलब हद से हद क्या कम का नहीं, तो हद से हद क्या कार्रवाई की जा सकती है? इस चीज का जवाब इस टाइप तो सीधे उनको सस्पेंड करने की बात कर रहा हूँ। कब ज्यादा से ज्यादा या कम से कम, इस टाइप का तो किसी चीज के कोई लिमिट नहीं है ना, उस चीज का तो जो बातों से जवाब दे करके उस चीज का नहीं क्लैरिफाई किया था। उसमें कोई धारा, उसकी कोई एफआईआर, कोई कंप्लेन ले रखी? हाँ, तो उसकी फोटो, उसकी कोई फोटो या उसकी कुछ हमें मिल सकती है? कोई बात देखना चाहते हैं, तसल्ली करना चाहते हैं कि आखिर इनके खिलाफ क्या कंप्लेन? एक और कंप्लेंट दे रखी है, एक और कंप्लेंट दे देंगे ताकि ये लोग पढ़ ले और ये मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ उसको किस बेस पे मुझे उठाया था उस पुलिस वाले का? पुलिस वाले का बयान तो जांच में आएगा जी, जांच में क्या, यहाँ मीडिया में दे दो ना कि हमें तो पता लगे ही थे कि उसने मैं उठाया क्यों था। सर मैडम सबसे पहले देखो हम आपसे जनाब एक चीज कहना चाहते हैं, हम हाथ जोड़ के बताइए, हाथ जोड़ के विनती है बताइए, जिसने हमारे भाई को झूठे मुकदमे में फंसवाया और इनकी इज्जत के ऊपर जो मतलब ऐसा खिलवाड़ किया है, इन ये शर्मसार हुए पूरे एरिया में, मान हानि का तो लगता लेकिन अभी तुरंत तत्कालीन प्रभाव से ये सारे के सारे कर्मचारी आए हुए, उसको भी यहाँ पर उठा कर लाइए, हम उनके नाम भी कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं। जैसे इसको उठा कर लाया उनको भी लेकर आए। एक काम कर देना,
अगर इस टाइप की किसी चीज़ का आपको लगता है कि भाई किसी और के खिलाफ भी कंप्लेंट देनी है तो आप वो भी देते हैं। वो कंप्लेंट लाओ ना जिसने जिसके खिलाफ मैं उठाऊं, उसको भी तो बुलाओ ना, इनके पास जिसके खिलाफ से मैं उठाऊं, मेरे को वैसे ही उठा ले गए। अरे खिलाफ से कौन सर, मैं वो रवीना है, रवीना के बेस पे मैं उठाया गया। सुनो सुनो, पहले आप मेरी बात सुन लो, पहले आप मेरी बात सुन लो, रवीना के बेस पे मैं उठाया हूँ तो रवीना को सर कंप्लेन कॉपी दे दीजिए। सर देखिए आप कंप्लेन कॉपी दे दीजिए, सारी बात तुरंत क्लियर हो जाएगी किसने कंप्लेन करवाई है। एक एक मैं एक और बता रहा हूँ, अगर किसी और दूसरे का भी इसके अंदर साथ मिला कि उसके वजह से उठाया गया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, अगर किसी और का भी है तो उसके खिलाफ भी होगी। कब होगी? जितना जल्दी हो। कंप्लेन कॉपी दे दीजिए ना, जितना एक मिनट कंप्लेन कॉपी दे दीजिए सर, जितना जल्दी हो वो उनसे पूछे भी क्या था। अभी उनको तो किसी भी किसी भी एक मिनट एक मिनट हाथ जोड़ रहे एक मिनट एक मिनट जेंटलमैन एक मिनट अभी लेकर आना पड़ेगा आपको जी। किसी भी चीज का एक झटके के अंदर नहीं होती कोई भी, इसका झटके में हो गया, एक वो हो गया तो कंप्लेंट तो पैसे खिलाए हुए हैं पार्षद ने, पार्षद ने पैसे खिलाए हुए हैं, पार्षद के कहने पे यहाँ पे सारे काम होते हैं। आप कंप्लेंट कॉपी दे दीजिए ना सर, लेकिन हम पैसे नहीं दे सकते जनाब आपसे, हम गरीब आदमी है, हम सिर्फ कानून के तहत पे काम कर सकते हैं, हम पैसे नहीं खिला सकते उनको पकड़वाने के लिए। पार्षद का तो हमारे को ये भी नहीं पता है, तो आपको मेरे को क्या 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 मतलब है उसका, पार्षद का आप ले रहे हैं करता है वो तो आप, आपको कैसे आपके आपके पुलिस कर्मचारी जो आपके अंडर में आता है सिपाही उनको कैसे पता चला कि ये मतलब ये करता है, ले रखी है जब आप इसको ऑन ड्यूटी कर्मचारी को ये डायरेक्ट उठा के लेकर आ सकते हैं तो उसको उठाने में आपको आपत्ति क्यों है? इसलिए तो कंप्लेंट ले रखी। आप जितनी देर हमारे से बात कर रहे हो हम संतुष्ट हो जाते हैं। कंप्लेंट कॉपी दे दीजिए सर, कंप्लेंट कॉपी पहले दे दीजिए सर, आपने अभी कहा कि आप देंगे नहीं, पुलिस ने अपना काम सही से किया है या नहीं किया है आप ये चीज भी देखिए, उनकी धाराएं देखिए क्या क्या लगी है। इन्होंने ही लिख करके दी है कंप्लेंट, इनके जो जो साथ आए हुए थे उन्होंने लिख के दिए, किसी लिखी तरफ से जो लिखा राजेश या नरेश ने लिख के दिए सर, मैं ये कह रही हूँ किसने, राजेश प्रधान जी ने, राजेश जी ने लिख के दिए सर, पर मैं वो कंप्लेंट जिस कंप्लेंट के तहत इन्हें उठाया गया हम उस कंप्लेंट की बात कर रहे हैं। मैडम कंप्लेंट कंप्लेंट के सर ये तो सरासर गलत है, जांच कर सर, उस आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है सर, सर आपके ऊपर भी कार्रवाई सर, ये तो सर साहब ऐसे साहब के ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो ये प्रशासन की एक मिनट रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए जाइए आप रुक जाइए आप बचाओ, मैं दो आदमी नहीं गए अंदर सर, दो आदमी नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल इनका बचाव करने लग रहे हैं और ये पैसे खा के यहाँ पे सारे काम होते हैं ना, और इनको एक मिनट साइड रखो साइड, एक मिनट सुनिए, ये यहाँ पर सुरेंद्र सिंह जी इंस्पेक्टर साहब है, इनके अंडर में वे सिपाही आते हैं और इनका मानना ये है कि इसके खिलाफ कोई ऐसी कंप्लेन, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया लाइव में कि कोई कंप्लेन ही नहीं है, तो फिर किस बुनियाद पे उठाया गया, जो पुलिस कर्मी किस बुनियाद पे उठाया गया जब कंप्लेन दर्ज ही नहीं है, ये हम कार्रवाई इनके ऊपर भी कराएंगे, पूरे थाने के ऊपर कार्रवाई होगी अगर ये, तो फिर इन्होंने माफिया बना रखा है, देख रहे वो हाथ हिला के जा रहे हैं कैमरे में, हाथ हिला के जा रहे हैं, ये इनका बर्ताव है, पहले इनसे जवाब देना नहीं बनता है उसके बाद। अगर अगर इन लोगों ने पैसे नहीं खाए हैं, थाने ने पैसे नहीं खाए हैं, तो जिसने झूठी कंप्लेंट दिया आप उसको बुलवाते क्यों नहीं, आप उसको बुलवाइए, तो इन्होंने पैसे खा रखे हैं, ये सारा सब कुछ सिस्टम इनका बना हुआ है, पूरी चैन है इनकी और बचाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। सर जब कंप्लेन ही नहीं है इनका, सर इनको मैं शांत करवा लूंगी, एक मिनट आप में से ना दो तीन आदमी जिनको सारी चीजें बतानी आप आके आराम से बैठ के बताओ, एक सेकंड सुन ले, आप यहाँ पर खड़े हुए हो आप उनको भी बुलवा लीजिए सर, एक मिनट हम यहाँ पर, मैडम तब सुबह तो आप सबसे बात हुई है अच्छे से हुई है, अभी मैं सारों के साथ अच्छे से बात हुई है सुबह, अब ये एक मिनट मैम एक मिनट, अब ये नए भाई आए तो इनके साथ ही बैठ के बात हो जाएगी, मैं आपको एक मैं आपको बता देता हूँ, एक बार बात सुरेंद्र सर इंस्पेक्टर है यहाँ के,
ये बोलते हैं अच्छे से कार्रवाई हुई। अब ये नया भाई नहीं है, ये मेरा भाई है और मैं विकास कांगड़ा मानव रक्षा दल का अध्यक्ष हूँ यहाँ से। नया भाई ठीक है सर, नहीं ये नया भाई का आप ये बताइए, मतलब हम बवंडर मचा रहे हैं यहाँ? अच्छी बात, मतलब हम अपने न्याय के लिए इनसे बोलते हैं, आप उचित कार्रवाई कर क्यों नहीं रहे हो? बवंडर शब्द आपको, ये यहाँ के इंस्पेक्टर साहब है, इनको ये नहीं पता है? सुबह ये इस थाने के इंचार्ज साहब है, इनको इस पद पे दिया गया है, इनको ये नहीं पता है कि अगर किसी को उठाया जाता है तो सबसे पहले उसका मेडिकल कराया जाता है, फिर उसके बाद उसके घर की सूचना दी जाती है। और मैं आपको अभी ऑनलाइन बता दूं कि ये लापरवाही और इस तरह की हरकत बजगेड़ा थाना से हमें देखने को मिल रही है, जहां पे इंस्पेक्टर साहब ने खुद कह दिया कि जिनको उठा के इन्होंने पीटा है उसके खिलाफ कोई कम्प्लेन नहीं है, कोई कम्प्लेन नहीं है। तो किस बुनियाद पे आपने पीटा है और किस लिए पीटा है और अभी ये यहाँ क्यों खड़े हैं, जाके कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? या उस शख्स से पूछिए, उन हवलदार सिपाही जो भी थे वो, उनसे पूछिए कि आखिर उन्होंने किस बुनियाद पे इनको उठा के पीटा? क्या इस तरह की लापरवाही, उनको कोई तो अथॉरिटी मिलेगी? सर एक मिनट सर, एक्सक्यूज मी सर, एक बात बताइए कि जिन्होंने उठाया उनकी पोस्ट क्या थी? जिन्होंने इनको उठा के पीटा है उनकी पोस्ट क्या थी? नहीं पता मैम, आपको पोस्ट का नहीं पता? के ये बजगेड़ा सर, पोस्ट खुद देखिए, पोस्ट सर, वो किस पोस्ट पे? एक मिनट पोस्ट, उनकी पोस्ट क्या है सर? पोस्ट कांस्टेबल है। कांस्टेबल है, एक कांस्टेबल एक्शन ले सकता है अपनी मर्जी से सर? मैडम वो सारी चीजों का नहीं सर, आप मुझे इतना बताइए एक कांस्टेबल कितनी पावर है? जो चीजें इनको को लिख के दे रखी है उसके जांच कर रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। इनका तो ये भी कहना है जब यहाँ आए तो बात नहीं की गई थी, कोई गलत करता है, आपको यहाँ से भेज दिया गया था, इन्होंने बात की थी आपसे? मैडम बात की है, मेरी एप्लीकेशन ली है रिपोर्ट के खिलाफ उस पुलिस वाले के लिए, और फिर मेरे को मेडिकल के लिए भेज दिया, मेरा मेडिकल कराया, पैर में चोट है जो इन्होंने पैर पे पाइप से मारा मेरे को वहाँ पे ले जाकर। अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई या केस था तो मुझे थाने में ले जाते। ये नहीं है कि वहाँ पे ले जाके फायर सर्विस स्टेशन में ले जाके पीट लिया, चलो आप यहाँ पे ला दो, यहाँ लिया और मेरे को ड्यूटी से उठा रखा है, बकायदा मैं ड्यूटी से, ऑन ड्यूटी से उठाया हुआ हूँ स्टेशन के अंदर, ऑन ड्यूटी से सर, ऑन ड्यूटी से, ऑन ड्यूटी से पर हो सर। हम एक मिनट, जो सर्विस स्टेशन जिस अधिकारी के अंडर में आता है, हमें उनसे भी जांच पड़ताल करवानी है। और ये किडनैपिंग का मतलब सर्विस स्टेशन, इन्होंने किडनैपिंग कहा कहीं भी फेंक देते तो कौन जिम्मेवार होता? मेरे को तो नाले, आप मुझे अभी इस बात कर दे दीजिए कि एक कांस्टेबल की इतनी पावर है कि वो उठा के इस तरह की कार्रवाई कर सके? हाँ जी, एक कांस्टेबल की इतनी पावर है कि वो एक ऐसी कार्रवाई कर सके बिना आपके नॉलेज में डाले ये बात? अगर मेरी नॉलेज में होगा तो भी गलत है, तो भी गलत है। तो सर आप बताइए ना, उन्होंने ऐसी हरकत की कैसे आपको बिना बताए? क्योंकि उसने कितने देर में जांच होगी सर? तो आप बताइए आपकी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? अभी जांच करिए, अभी आपने क्या जांच की है? कंप्लेंट ली है। कंप्लेंट कितने बजे ली है आपसे? मैडम इन्होंने कंप्लेंट मेरे से 11-10 बजे तक हो चुकी है, 8 बजे तक मुझे इनके पास था, मैं 8-9 बजे तक, 10 बजे के करीब ही आए हैं, और सारे के सारे क्योंकि 150 आदमी थे, 150 आदमियों के साथ बात होकर के कंप्लेंट दे करके और इनको मेडिकल के लिए भेजा गया, और उसके बाद अब वो उसकी जांच जो भी होगी उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी आप क्या स्टेप ले रहे हैं इसके? अंत क्या रहेगा? जो एफआईआर का तो अभी नहीं कह सकते, हम उस एफआईआर की बात करें, यहाँ पे गोलमोल घुमाया जा रहा है, आप हमारी बात सुनिए। जो एफआईआर हमने दी है यहाँ के पुलिस थाने ने, बजगेड़ा थाने ने, जो मतलब जिस मिसले के ऊपर हमने कार्रवाई करवाने की किया है उस पर क्या क्या धारे लगवाई है? देखो उसके ऊपर किडनैपिंग लगा, मानहानि का लगेगा, और ऑन ड्यूटी जो सर्विस ये करते हैं, निगम से काम करते हैं, हमें वे सारी एक्ट पता चलनी चाहिए कि कौन कौन सी धारा उस पुलिस वाले के ऊपर लगी है। और जब तक उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, और जिसने झूठा मुकदमा ये लगवा के हमारे भाई को यहाँ पर पिटवाया और रास्ते में पिटवाया, सर्विस स्टेशन के अंदर ले जाकर इसको पीटा गया है, जब तक उस लेडीज को भी या पार्षद जो भी है उनको यहाँ पे नहीं लेकर आया जाएगा, ये यहाँ से लोग हटेंगे नहीं। और पूरे तो आपको किसी के खिलाफ कंप्लेन करनी हो या किसी कोई ऐसा है जिसकी वजह से आप कहना चाहते हैं कि ये हुआ हो, आप क्या कह रहे हैं, क्यों हुआ आपके साथ ऐसा? मेरे साथ ये पार्षद के कहने पे हुआ है,
क्योंकि मैंने 3-4 दिन पहले पार्षद के खिलाफ दिया था कोई बयान, क्योंकि ये पार्षद क्या करता था, पार्षद पार्षद मिथिलेश बरवाल, पार्षद है मिथिलेश बरवाल और तो दिखाते हैं उसके ससुर और यहाँ से कर्मचारियों को ले जाते हैं पटौदी। अच्छा। काम करा लेते हैं, ईट धुआ लेते हैं, मड़वा धुआ लेते हैं, करेसर धुआते हैं, वो ले जाते हैं पटौदी, ट्रैक्टर चलवाते हैं हमारे कर्मचारियों से। अगर मान लो मेरे कर्मचारी को वहाँ ट्रैक्टर चलाते हानि कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेवार है? पार्षद साफ हाथ उठा देता है कि मैं नहीं हूँ। मेरे निगम के SSI खुद हाथ उठा देंगे, भाई हमें तो कर्मचारी अलग चाहिए, ड्राइवर है वो तो ड्राइवर जानेगा, पार्षद साहब अपना अलग हाथ उठा लेता है। और मतलब दूसरा एक निगम के कर्मचारी को इतनी सैलरी दी जाती है कि पार्षद भी अपने घर के काम करवा ले, इस एरिया से अलग से दूसरे एरिया में भी ले जाकर काम करवा ले, अपने जो है क्या नाम है रिश्तेदारों के घरों में चिनाई का काम चल रहा है उसको भी सफाई कर्मचारी करे, घरों के मतलब सफाई भी कर्मचारी करे, नाला भी सफाई कर्मचारी, और यहाँ के बर्तन उर्तन जो धोए इनके घरों के वो भी सफाई कर्मचारी। ये पार्षद क्या है? इस पार्षद को हम इस पार्षद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं, नहीं तो इस थाने के अंदर से यहाँ से कोई भी बंदा जाएगा नहीं और सफाई व्यवस्था सारी की सारी यहाँ पे व्यस्त बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। तो आपने जो अभी तक हमने मुद्दा समझा है और देखा है उस हिसाब से कहा जा रहा है कि जो ये नगर निगम के कार्यकर्ता हैं, जो साफ सफाई करते हैं, उनको बिना बात के आज सुबह 8 बजे उन्हें उठा लिया गया, उनके ऑन ड्यूटी उन्हें उठाया गया, ऑन ड्यूटी उठा के उन्हें सर्विस सेंटर में ले जाके पीटा गया, पुलिस स्टेशन में भी नहीं, और आपको इन्होंने कंप्लेंट नहीं दिखाई कोई भी। फिर उस टाइम कंप्लेंट नहीं थी। हाँ। बाद में मैंने पूछा कि किसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट किया, वो कंप्लेंट दिखाए मेरे, अभी तक इन्होंने मेरे पे उस लेडीज का कंप्लेंट नहीं दिखाई जो मेरे खिलाफ थी। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि बड़ी अभी इस वक्त उन्होंने ये बात बोली, तब तक जब तक इनके पास कोई नहीं था तब तक इन्हें कह रहे थे कंप्लेन है। अभी ऑन लाइव आपने जैसा देखा, आपने ऑन लाइव इस चीज को देखा कि उन्होंने इस बात को कह दिया कि नहीं आपके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है, तो किस बुनियाद पे? सबसे पहले तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी और विनती करूंगी कि इस लाइव को शेयर कर दें ताकि पता चले लोगों को कि ये जो थाना है, ये जो बचखेड़ा थाना है, यहाँ पे किस तरह की लापरवाही पुलिस प्रशासन के तरफ से बरती गई है, और जो पुलिस प्रशासन लोगों के लिए है, आम जनता के लिए, वो आम जनता को ही किस तरीके से परेशान कर रही है। यहाँ तक नगर निगम में जो कार्य कर रहे हैं, जो लोग खुद सरकार के अंडर आते हैं, उनके साथ इस तरीके का बर्ताव हो रहा है, और जिसमें कई सारे मुद्दे, कई सारे सवाल उठ के आ रहे हैं। यहाँ पार्षद की भी दिखाई जा रही है, जिन मिथिलेश काम आया जा रहा है, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी बताई जा रही है, जैसा लोगों की तरफ से हमें सुनने को मिला है, और काफी बड़ी बड़े लोगों के नाम उन लोगों ने लिए, चाहे वो नगर निगम के हो, कार्यकर्ता हो, उनके भी नाम लिया। उसके बाद इस तरह की लापरवाही बचगेड़ा थाना में देखने को मिल रही है। मैं पहले तो अनुरोध करूंगी आप लोगों को से कि इस वीडियो को दूर तक शेयर करिए ताकि कार्रवाई हो। आप देख सकते हैं काफी आक्रोश में ये सफाई कर्मचारी है जो हमारी सुरक्षा का सबसे अहम रखते हैं, ये सफाई कर्मचारी हैं जो हमारी सुरक्षा का सबसे अहम बुनियाद रखते हैं। इनका काम है कि आपके इलाके से साफ सफाई करके गंदगी को हटाना। उसके बाद जब इनके साथ इस तरह की लापरवाही बरती जाएगी, इस तरह का जुल्म किया जाएगा, तो सवाल उठना बनता है, और बहुत बड़ा सवाल उठना बनता है। ये पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, और जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के जो SHO है उनको खुद में कोई जानकारी नहीं है, उन्हें खुद कुछ पता नहीं है। कांस्टेबल की क्या इतनी पावर हो जाती है कि वो किसी को भी उठाकर ले आए और उसको पीट दे और SHO को कुछ पता ना चले, तो वो कह रहे कार्रवाई चल रही है। आखिर कितना वक्त लगेगा इस कार्रवाई, क्योंकि जो इनका रवैया है उस हिसाब से तो लग नहीं रहा कि इनकी कार्रवाई में कोई तेजी बरती जा रही है, या इस मुद्दे को लेकर वो खुद भी गंभीरता से सोच रहे हैं। और इस वक्त यहाँ काफी लोग मौजूद हैं और वो काफी नाखुश हैं, और वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम धरने पे बैठेंगे और इस पूरे इलाके की साफ सफाई को रोक देंगे। अगर आपको मैं इलाका दिखाऊं, मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करके आपको मैं इलाका दिखाऊं, तो ये इलाका भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ काफी भारी मात्रा में लोगों की जरूरत पड़ती है। उसके बाद नगर निगम के जो कार्यकर्ता है उनके साथ इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है, और वो अभी भी देख रहे हैं कि अब देखते हैं कि अब कब तक वो आएंगे और कब तक कार्रवाई करते हैं।
और जैसा कि वो बता रहे हैं जिनके साथ हुआ है वो ये बोल रहे हैं कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो बड़े लोगों की है। सर कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है, क्या एक्शन लिया जा रहा है उनके खिलाफ, आप में से कोई ये बात की जानकारी हमें दे सकता हो अंदर से, क्योंकि अगर हम फिर अंदर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी बिल्कुल पूछ के आइए और जो करना है इनसे करिए, दो लोगों को अंदर लेकर जाएंगे फिर इनके मन में वहम बैठता है। नहीं ऐसी कोई हरकत मत करिएगा क्योंकि ये गलत है, तो मैं मेरा अनुरोध है कि आप किसी भी तरह का वॉयलेंस नहीं करिए। करेंगे करेंगे सुनवाई जरूर करेंगे। आज सुपरवाइजर के साथ ये हादसा, कल को हमारे साथ ही है, इस बात को आप मानते हो? उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए किसी के साथ, ड्यूटी पे आप किसी को मारोगे और हमारी बिल्कुल भी पुलिस वाले सुनवाई नहीं कर रहे। बाहर से आदमी काम करने आ रहा, पैसे डाल लाते हैं, बाहर ड्यूटी करने आते हैं तो कह रहे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास, कल तनख्वाह आई हमारे को, कह रहे पैसे सुपरवाइजर से ये पूछा जा रहा तुम पे पैसे कहाँ से आए, तो उसके ऊपर मतलब गलत वो इल्जाम लगा रहे हो, ये ठीक नहीं है। तनख्वाह काट के लाए इंसाफ चाहिए हमारे को, और जो जिस लेडीज ने कंप्लेंट करी उस लेडीज को मिलाया जाए यहाँ पे। ये लेडीज कौन है, क्या करती है, क्या हमारी महकमे में काम करती है? ये पार्टी है, पार्षद की चमची है जी, इसका आदमी भी और उसका नाम है रवीना और उसके आदमी का नाम है दीपक। तो ये जिनका आप लोग नाम ले रहे हैं इनकी क्या पोस्ट है वो भी आप लोगों की तरफ? हमारे जैसे ही है, तरफ से पार्क वो बना रखा सुपरवाइजर, उसका आदमी सुपरवाइजर जी। तो यहाँ के पार्षद से आप कभी मिली हैं? वही हाजिरी लगती थी मैम, खींच के निकल में भेज देते हैं। तो पार्षद आती है रोज? पार्षद नहीं आता जी, पार्षद नहीं ना तो कभी देखा ही नहीं मुड़ के, उसका सुसर बनता अपने नाम में। तो ये किस तरह की कार्रवाई हुई है यहाँ पे कि पार्षद नहीं आ रही हैं और उनके ससुर जो कि फादर इन लॉ हैं वो आके कार्रवाई कर रहे हैं? ये पार्षद की सबसे बड़ी लापरवाही है कि वो कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं जी। इनको कहाँ लेकर जा रहे हैं जी, ये कौन है, इनको कहाँ लेके जा रहे हैं? ये कौन थे और क्या कह रहे थे आपसे? ये कुछ नहीं, वो उन करते वो आपसी की बात है, वो तो उसने कही थी कि अगर तेरे को कोई दिक्कत हो रही है तो मेरे को बता, मैं आगे मैं खींचूं। ये राकेश, ये एमएलए साहब, ये जो राकेश दोस्तवाल जो है उनके भतीजे है यहाँ भाई जो ये, अगर तुम्हारे को कोई दिक्कत आ रही है तो मैं तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा हूँ जी। तो वो अभी ये एसएचओ साहब से पूछने गए हैं कि उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं। तो इस वक्त इनका क्या नाम बताइए, एमएलए हैं? नहीं एमएलए के भाई है, एमएलए राकेश दौलतवादे के जो भाई है। अच्छा तो इनका नाम सन्नी, सन्नी, सन्नी। तो इस वक्त यहाँ पे तो यहाँ पे जो राकेश दौलताबाद जी हैं एमएलए, उनके भतीजे आए हैं, वो भी इनके लिए बात करने गए हैं अंदर। तो इस तरीके से जब होता है प्रशासन के अंदर लापरवाही बरती जाती है, लापरवाही भी क्या कहे, अगर ये बात अगर सच है, क्योंकि वो कह रहे कार्रवाई चल रही, तो जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। पर जिस तरीके से इन्होंने बताया और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन ने भी कबूल लिया है कि इनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है, तो फिर मुझे बताइए कि आपने मेडिकल क्यों करवाया जब कंप्लेन नहीं थी? तो आपको सपने आ रहे थे कि आप किसी व्यक्ति को उसके कार्यस्थल से उठाते हैं और ले जाते हैं, पीटते हैं, मेडिकल करवाते हैं? तो ये तो सरासर गलत है, ये यही बात प्रूफ हो जाती है कि ये चीज गलत है। और जब आपके पास कंप्लेन नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है, इसमें कार्रवाई करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? उस व्यक्ति को पीटा तो गया है ना, इस बात की तो प्रूफ है कि उसे पीटा गया, क्योंकि मेडिकल आपने खुद करवाया है। तो यानी कि इस वक्त इतनी लंबी कार्रवाई हो क्यों रही है? इस मुद्दे पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब बात स्पष्ट रूप से क्लियर है, सामने है, तो इस पे इतना लंबा कार्रवाई करने का मतलब क्या बनता है? आखिर किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? आपको क्या लगता है कि वो इतना वक्त क्यों ले रहे हैं कार्रवाई करने में? मैम वक्त इसलिए ले रहे हैं कार्रवाई करने में क्योंकि जब इसको भाई को जो उठाया गया, उठाने के बाद ये डायरेक्ट थाने में तो लेकर नहीं आए, इन्होंने वो जो सर्विस स्टेशन है जो वो गैरेज बना रखा है, वो इन्होंने ये पहले पहले भी इन्होंने काम किए होंगे, ठीक है ना, पर इन लोगों की जो है आवाज, गरीब आदमियों की आवाज उठाता कौन है? इस भाई ने तो चलो हिम्मत दिखाई, आवाज उठा दी अपनी इस पार्षद के खिलाफ। ये इन लोगों का जो है प्री प्लान होता है, यहाँ के पुलिस वालों के साथ में इस पार्षद की पूरी पूरी सेटिंग है, और इस भाई को जो है किडनैप करके वहां पर ले जाकर इसको मारा पीटा, फिर इसको यहाँ पर थाने में लेकर आया है।
अब इन ये गलती है इनकी, तभी तो ये आ नहीं रहे है। इंस्पेक्टर साहब को पता नहीं है मेरे सिपाही क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये पता नहीं कैसा बजगेड़े का थाना है, इन्होंने क्या थाना बना रखा है या इन्होंने कोई एक कंपनी बना रखी है जो यहाँ पर ये सफाई कर्मचारी के लोगों को तो ये छोड़ नहीं रहे हैं रिश्वत विश्वत खाने के पैसे खाने के लिए इनसे, तो ये मतलब आम जनता का क्या वो करेंगे। आप ये देखें ना कि आम जनता का क्या हाल होगा यहाँ पर, जब एक सफाई कर्मचारी के साथ में ऐसा शोषण किया जा रहा है एक पार्षद के थ्रू, तो यहाँ के आम जनता को कितना लूटा जा रहा होगा। तो ये काफी बड़ा आप कह लें कि आरोप लग गया है अब बजगेड़ा थाने में, तो अंदर बुलाया जा रहा है। इधर से भी है रास्ता, इधर से ही चल लेते हैं। तो अंदर बुलाया जा रहा है, सब साथ अंदर आएंगे ताकि हम भी देखें क्या कार्रवाई हो रही है। अब देख सकते हैं कि वो किस तरीके से चल रहे हैं। जी बात कर रहे हैं, अंदर बात पर मैं तो जाऊंगी अंदर, ठीक है। तो कैमरा लेके जाने नहीं देंगे या तो बाहर ही आके बात करें। हाँ नहीं भाई, भाई साहब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज मीडिया जरूर आएगी अंदर, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, नहीं तो ये भी नहीं आएगा। हमें पता है आप हमारे लिए आए हुए, हमें पता है। सर अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? नहीं अंदर नहीं मैडम, कोई ऐसी बात नहीं, सुबह यूनियन के आदमी थे जी। जब अपने पुलिस प्रशासन ने जो कही कार्रवाई करने के लिए मना नहीं करी जी, जी। जिन आदमियों ने करा उन पे भी कार्रवाई होगी होगी ना, ठीक है। अब एकदम से हम सारी चीजें वो चाहें तो वो बात ही कर रहे हैं। अब पुलिस यूनियन तो आ गई थी लेकिन अब परिवार भी आया हुआ है, और परिवार के साथ साथ हम सभी सदल की तरफ से पूरी टीम भी आई हुई है, हमें भी तो पता चले कि मतलब यहाँ पे चल क्या रहा है। अब ये पुलिस वाले को जो है उसको सामने नहीं पेश करने लग रहे हैं, पता नहीं वो इस थाने से मैडम है भी या वर्दी पहन के ऐसे ही घूमता है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो इस थाने में पोस्टेड भी है। योगेश नाम बता रहे, सिर्फ योगेश नाम है ये, मेरे को तो ऐसा लगता है उसने वर्दी उर्दी सिलवा के ऐसा ही कुछ वो कर रखा है और वो ऐसे हफ्ता वसूली करता रहता होगा। चलिए ठीक है, हम हर इंसान की इंडिविजुअलिटी का उसकी प्राइवेसी का मर्यादा को रखते हुए, पर क्या ये मुमकिन है कि मैं बिना कैमरे अंदर आ जाऊं? मैं इस चीज को मानती हूं। सर क्या ये मुमकिन है कि मैं विदाउट कैमरा आ जाऊं? मैं प्राइवेसी की राइट टू प्राइवेसी समझती हूं, तो क्या मैं इस चीज को लेकर रखते हुए मैं अंदर आ सकती हूं? क्यों मैं कैमरा लेके नहीं आ रही हूं मैम? तो आप साफ मना कर रहे हैं कि मैं अंदर जी, अच्छा तो ये कह रहे कंप्लेन करता आ जाएगा। एक बात बताइए, हम इसको कैसे भेज दे जब पूरे वो सभी कर्मचारियों के बीच में से इसको उठाकर लाकर और मारा पीटा गया, तो हम कैसे विश्वास कर ले इन पुलिस वालों के ऊपर? हम बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, हम इसको नहीं छोड़ेंगे अकेले। ओए विक्की, आप या तो आप अंदर चले जाइए, आप अंदर चले जाइए। चलिए हम मानते हैं कि मीडिया को तो जाहिर सी बात है इस चीज में अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, पर जो यहाँ का थाना है नहीं हम अंदर नहीं भेज सकते, कोई भरोसा नहीं है। जब भरोसा है इन पे पूरे रोड के बीच में पूरे नगर नहीं है मैडम, भरोसा नहीं है पुलिस वालों को उठाकर, मतलब पुलिस वाले इसको उठाकर लेके और किसी एक सर्विस स्टेशन के गैरेज के अंदर ले जाकर मारता पीटता है, तो हम इन यहाँ पे वो तो एक था और यहाँ पे देखे ना कितने सारे, हम कैसे भी ये तो जान से मार देंगे इसको। जब एक पुलिस वाले ने हल करा तो यहाँ पे तो पूरा कट्ठा जमा हुआ इनका। बिल्कुल मैडम, ये मार के गिरते नहर पे गिरते, मान लो आज ही मेरे साथ कर रहे, कल ना किसी कर्मचारी के साथ करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जिनका कार्य सुरक्षा करने का होता है, सुरक्षा पे भरोसा दिलाने का होता है, आज उन्हीं पे सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। सबसे पहले उनकी सुरक्षा पे सवाल उठाया जा रहा है, जो इनकी भरोसा आम लोगों का भरोसा डगमगा चुका है जब इस तरह की हरकत पुलिस प्रशासन। जरूरी बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जितने भी सफाई कर्मचारी बेचारे है लोग, ये गरीब लोग है और ये भाई हो चुका हाईलाइट। अगर आज के बाद में पुलिस की तरफ से या पार्षद अपनी तरफ से कोई और गुंडे उंडे की कोई और प्लान बना के इन लोगों को परेशान करवाया,
तो फिर हम बता रहे हम ईट से ईट बजा देंगे, चाहे प्रशासन को हमने अपने हाथ में लेना पड़ जाए, हमें चाहे जेल में जाना पड़ जाए, हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, ये ध्यान रख लेना। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात की अपील करती हूँ, सबसे पहले मैं आपसे एक बात की अपील करती हूँ कि इस वीडियो को दूर तक शेयर करिए, इस वीडियो को दूर तक शेयर करिए, लाइव चलती हुई इस वीडियो को अभी के अभी शेयर करिए, ताकि पूरे गुरुग्राम को ही क्या पूरे देश को पता चल सके कि इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है गुरुग्राम में पुलिस प्रशासन की। देख सकते हैं आप कितने लोग हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी बड़ी समस्या है, क्योंकि जो लोग सुरक्षा करते हैं, ये मैं आपको बता दूं बचगेड़ा थाना है, यहाँ पे इस तरह की लापरवाही बरती गई है कि पुलिस प्रशासन मौन है, इस वक्त वो मौन है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई तो कमी है। वो व्यक्ति अंदर कैसे चले जाएं अकेले, जहाँ आरोप खुद पुलिस वालों पे लगा हुआ है, जब आरोप ही पुलिस वाले पे लगा है तो वो भरोसा किस पे करे। आप देख सकते हैं अब ये इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर किस अधिकार से, किस कंप्लेन के तहत इनको गिरफ्तार किया गया या इन्हें उठाया गया। मैडम एक चीज कहता हूँ।